हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर भुर्जी, और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। पालक और पनीर खाना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है और विटामिन बहुत होते हैं उसमें, तो आप ज़रूरी बनाइए ये सब्जी। तो देखते हैं क्या लगता है। ये मैंने लिया है टमाटर 4, उसे धो के कट कर लिया है बड़े टुकड़ों में। और ये मैंने लिया है पालक, एक बड़ा जुड़ी लिया है पूरा, एक जाड़ा जुड़ी पूरा लेना है हमें। और उसको मैंने साफ़ करके कट करके धो लिया है, और इसका पानी मैंने छन्नी में रख दिया, निकल गया है। और ये मैंने लिया पनीर 250 ग्राम, मैंने 200 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर लिया है, और 50 ग्राम को मैंने बारीक ऐसे कट कर लिया छोटे क्यूब्स में। और मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून बड़ा, और 1/4 टेबल स्पून जीरा लेंगे, और 2 मैंने हरी मिर्च लिया है, और 10 मैंने काजू लिया, उसे बारीक काट लिया है ऐसे टुकड़ों में। और ये मैंने 1 चम्मच का 1/4 भाग लिया हल्दी, गरम मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून छोटा, अदरक लिया 1 इंच लंबाई में काट लिया है, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और 1/2 टेबल स्पून मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च। और देखते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले मिक्सर जार लेंगे, और उसमें हम डालेंगे मिर्ची, अदरक और टमाटर, इसमें हम डाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है, हमारे जो टमाटर मिर्ची और अदरक था उसे मैंने पेस्ट बना लिया है। तो देखते हैं हम कैसे बनता है। और ये मैंने गैस को ऑन कर लिया, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, और उसमें हम डालेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून, और गर्म होने देंगे ऑयल को। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा और इसे भून लेंगे हम, और जीरा को अच्छे से फूटने देंगे। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, और गैस को मीडियम रखेंगे, और अच्छे से हमारा जीरा जो फूट गया है। और इसमें हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है टमाटो का, वो डाल देंगे इसके अंदर। तो ये मैंने डाल लिया है, और इसको अच्छे से हम चलाएंगे, और गैस को थोड़ा हाई कर देंगे। तो इसे हम गैस को हाई करके इसका जो टमाटो का पानी है सूखने तक हमें भूनना है। तो इसको हम मैं पका लूँगी, इसका जब पानी सूख जाए, गाढ़ा हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो इसका अच्छे से पानी सूख गया है, जो टमाटर का पानी था वो सूख गया। इसमें हम डालेंगे मिर्च पाउडर, और तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। और इसमें डालेंगे नमक, और इसको हम मिक्स करेंगे, और इसके साथ में इसमें हम डालेंगे पालक, इसे भी हम मिला लेंगे। तो ये मैंने पालक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम कर देंगे, और अच्छे से हमें भून लेना है पालक। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, तो ये कम लग रहा है, और इसे हम ढक्कन लगा के पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। और अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, और इसको हम चलाएंगे। और जो हमारा पालक है उसने थोड़ा पानी छोड़ दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, हम गैस को हाई करके अच्छे से इसका पानी हम सुखा लेंगे, जो पालक पानी छोड़ता है, तो उसे हम अच्छे से सुखाएंगे गैस को हाई करके। और पालक हमारी पक गई है, पानी को सिर्फ हमें सुखाना है। तो इसका मैंने पानी अच्छे से सुखा लिया, तो ये सारा पानी सूख गया है, जो हमारी सब्जी का जो पालक का पानी है पूरा अच्छे से सूख गया है। और अभी इसमें क्या डालेंगे, हम गरम मसाला और काजू, इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ में इसमें डालेंगे हम पनीर, दोनों डाल देना हमें, जो मैंने काटा है और ग्रेट किया है दोनों डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, अच्छे से मिलाएंगे। और इसे हम ढक्कन लगा के, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है पनीर को इसमें। और अभी क्या करेंगे, हम ढक्कन लगा के 2-3 मिनट तक
कम आंच पे इसको पकाएंगे, गैस को कम कर देंगे, उस पर हम पका लेंगे। तो इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है, अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। और इसे हम चलाएंगे। तो ये पक गया है हमारा सब्जी। और अभी हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। तो ये मैंने एक डिश में निकाल लिया है। तो ये हमारा पालक पनीर भुर्जी बनके तैयार है। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ में, दाल चावल के साथ में, चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। और इसे आप बच्चे को टिफिन में दे सकते हैं। पराठे पे एक पराठा लीजिए, उसके ऊपर लगा के रोल करके दे सकते हैं टिफिन में। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाइए। और देखिए कितना यम्मी बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी है। तो ज़रूर बनाइए और फिर से मिलते हैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।